अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहद फारूकी और आपको इस वीडियो में खुश आमदीद कहता हूं। आज हम सीखेंगे जूम के एक फ़ीचर के बारे में जिसको वर्चुअल बैकग्राउंड कहते हैं। वर्चुअल बैकग्राउंड का मतलब कि आप की वीडियो में कोई भी बैकग्राउंड नज़र आ रहा है तो उसको रिमूव करके आप अपनी मर्ज़ी का कोई इमेज, कोई वीडियो ऐड कर सकते हैं, या फिर जूम ने कुछ इमेजेस और कुछ वीडियोज़ दिए हुए हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जी, सबसे बेहतरीन बात इसकी यह है कि किसी भी वीडियो में बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको ग्रीन स्क्रीन या किसी एक सॉलिड कलर की स्क्रीन यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका बैकग्राउंड जो भी हो आप उसको रिमूव कर सकते हैं और ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जूम की ऐप ओपन करेंगे। जूम की ऐप में ये सेटिंग्स का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे। सेटिंग्स में ऑप्शन है वर्चुअल बैकग्राउंड, वर्चुअल बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। ये मेरा ओरिजिनल बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ से एक वर्चुअल बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँगा। ये देखिए, अब ये बैकग्राउंड चेंज हो गया है। इसी तरह मैं ये सेलेक्ट करूँगा, ये वॉलपेपर मैंने एक सेव किया हुआ है, ये सेलेक्ट करूँगा। तो कोई भी आप बैकग्राउंड इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि बैकग्राउंड चेंज करने के बाद आपकी मूवमेंट कम से कम होनी चाहिए। देखिए, अब अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो ये देखिए, ये क्वालिटी इसकी ख़राब कर रहा है। तो इसलिए मूवमेंट जो है ना वो आपको कम से कम रखनी होगी। इसी तरह अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन है, इसको मज़ीद इसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, अगर आपका बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन पर मुश्तमिल है या किसी सॉलिड कलर पे, तो आप इस ऑप्शन को चेक कर देंगे तो ये बहुत सफाई के साथ उस बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। जैसे मेरे पीछे ये वाइट बैकग्राउंड आ रहा था, इसने रिमूव करके वर्चुअल बैकग्राउंड लगा दिया है। हमारे पास कोई सॉलिड बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह देखें, इसमें वीडियोज़ भी दी हुई हैं। ये एक बीच की वीडियो है, ये देखें बैकग्राउंड पे वीडियो चल रही है और आगे कैमरे में जो भी ऑब्जेक्ट है आपका वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच सके।